नारायण का नाम जप कर रहे। नारद जी, नारायण का जब भी तुमको मौका मिले इस जीव का सदुपयोग कर लिया कर। जब भी मौका मिले इस जीव का एक प्रार्थना याद कर लो। चलो मेरे साथ, चलो हाथ जोड़ो दोनों, बोलो हे जीव महारानी। और किसी की प्रार्थना करो ना करो, इसकी जरूर करो। बोलो हे जीव महारानी, हम तुम्हारी हर रोज बहुत सेवा करेंगे, तुमको रोज गोलगप्पे खिलाएंगे। बोलो 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 बोलो, हम तेरी बहुत सेवा करेंगे, लेकिन बदले में तुम भी हमारी सेवा कर देना कि परमात्मा का नाम लेके बार बार हिलती रहना। इस जीव की यही सार्थकता है महाराज, जितना बन सके, जितना हो सके परमात्मा का भजन करो, जितना हो सके परमात्मा का भजन करो। ये सांस आपको, ये जीवन बार बार मिलने वाला नहीं है कि तार छेड़ रहे हैं और गंगा के पवित्र किनारे पर चल रहे हैं और नारायण का भजन कर रहे हैं। नारायण का बोलो। देखो जब भी तुम तीर्थ में जाओ और कुछ करो ना करो, जितना बन सके भगवान का नाम जप करो, जितना बन सके भगवान का। आप लोग कभी हरिद्वार गए? हरिद्वार सर सारे गए, और जाना भी चाहिए, नहीं तो फिर हड्डियों की तरह वो पोटली में बंद के जाओगे। जीते जी भी एक दो चक्कर लगा लेना चाहिए, नहीं तो फिर वो क्या कहते तुम्हारे यहाँ फुल तार के आए पंजाबी में कहते, और हमारे यहाँ कहते अस्थि विसर्जन। हरिद्वार आप लोग गए होंगे, हाथ खड़े करो एक बार, कौन कौन गए? अरे बहुत लोग गए। चलो अब वो लोग हाथ खड़े करो जिन्होंने हरिद्वार में जाकर के दो दो घंटे भगवान का नाम जप किया। एक डेढ़ पौने दो बस, ज्यादा नहीं। देखो हरिद्वार गए सब और भगवान का भजन किसी ने जल्दी से किया, मतलब क्या हुआ? तुम हरिद्वार में गए फोटो खिंचवाने, गंगा जी में डुबकी लगाई, फोटो खिंचवाई और आके कमरे में लगाई कि हम तो हरिद्वार होकर के आ गए। नहीं महाराज, तीर्थ में जाओ, जितना बन सके परमात्मा का भजन करो। और मैं आपको एक बात जिम्मेवारी से कह देता हूँ, हम लोग हरिद्वार में रहते इसलिए आपको ये बात बता रहे हैं, कभी गंगा के किनारे पर बैठ करके या अमरनाथ जी के पास में बैठ करके, यहाँ जो गंगा बहती है अमर गंगा, इसके किनारे पर बैठ के कल, मैं जिम्मेवारी से कह रहा हूँ, आंख बंद करके बैठना और भगवान का थोड़ी देर के लिए भजन करके देखना आंख बंद करके। मैं जिम्मेवारी से कहता हूँ, आंख बंद करके जब तुम भजन करोगे, अनुभव करके देखना, जब हवा चलेगी ना हवा, मैं जिम्मेवारी से कहता हूं कि तुमको लगेगा भगवान शंकर हमारे सिर के ऊपर हाथ घुमा रहे हैं। आप कल ट्राई करके देख लेना, जाकर के बैठ के देखना, तीर्थ में जाकर के जितना बन सके उतना भगवान का भजन करना। महाराज यही जीवन की सार्थकता है, तीर्थ में आकर के अगर भजन नहीं किया तो फिर तो घर में ही ठीक थे। महाराज ऐसा मत, आप लोग फोटो खिंचवाने जाते तीर्थ में, तीर्थ में जाओ भजन करने, खूब खाओ पियो, खूब सत्संग करो और खूब भगवान का भजन करो, खूब भगवान का बोलो ना। बोले महाराज आपकी बाकी बातें माने के नहीं माने, पहले वाली मानेंगे। कौन से वाली? पहले वाली कौन सी थी? खूब खाएंगे और खूब के उतना भजन करो महाराज, यही जीवन की सार्थकता है। इसी से हमारा जीवन सफल होने वाला है, इसी से परमात्मा की प्राप्ति हमको होने वाली है। विचार करने की बात है, ये सोचने की बात है। भगवान शंकर सत्संग के लिए गए, कहाँ गए? अरे बोलो। अच्छा बड़े मजे की बात है, किसी को पता ही नहीं कि सत्संग किसको कहते हैं, किसी को ये पता नहीं है कि सत्संग किसको। आप लोगों के यहाँ ऐसा होता है सत्संग में कि दो चार भजन गाए, दो चार माँ की भेंटे गाई और हो गया सत्संग? नहीं नहीं नहीं, सत्संग का मतलब ये नहीं, दो शब्द जुड़े हैं सत्संग में। कितने शब्द जुड़े हैं? सत्य और संग, दो शब्द हैं। और सत्य क्या है? सत्य क्या है? उमा कहूं मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। इस जगत का अंतिम सत्य तो परमात्मा का नाम है, परमात्मा के अतिरिक्त इस जगत में कोई दूसरा सच्चा, बोलो ना किसका नाम सच्चा है? एक तू सच्चा और एक तेरा। भगवान का नाम कैसा है बोलो, मानते हो आप लोग?
सभी मानते हैं? हाथ खड़े करके बताओ कौन कौन मानता है भगवान का नाम? सभी मानते हैं।